गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने ओप्पो F1S फोन में प्ले स्टोर का आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ओप्पो F1S फोन है और आप उसमें प्ले स्टोर का आईडी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो में आपको सबसे बेसिक तरीके से और सबसे आसान तरीके से बताया जाएगा कैसे आप अपने ओप्पो F1S फोन में प्ले स्टोर का आईडी बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सो गाइज आपको अपने ओप्पो F1S फोन में प्ले स्टोर का आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना होता है। और जब आप पहली बार प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो आपको इसमें साइन इन करना पड़ता है। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से किसी भी गेम को या फिर किसी भी एप्स को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं जब तक आप प्ले स्टोर में साइन इन नहीं करते हैं या फिर अपना आईडी नहीं बनाते हैं। तो प्ले स्टोर में अपना आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पर टच करेंगे तो कुछ समय का बफरिंग होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल और फोन नंबर डालने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन उन सभी मेरे भाइयों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी या फिर प्ले स्टोर का आईडी बना लिया है। अगर आपका प्ले स्टोर आईडी नहीं बना है तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर एक बार टच करना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर टच कर देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर माई चाइल्ड का ऑप्शन दिया गया है, फॉर माई सेल्फ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप खुद के लिए अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर एक बार टच करेंगे। और फॉर माई सेल्फ पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल लेंगे फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। और नेक्स्ट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डे डालना होता है। मंथ में आप यहाँ पर वो मंथ सेट करेंगे जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, और डे में आप वो डे सेट करेंगे, ईयर में आप यहाँ पर वो सन सेट करेंगे यानी कि सन 2019-1999 वो सब आप यहाँ पर ईयर में सेट करेंगे। जेंडर में आप सेट करेंगे आप मेल है फीमेल है लड़का है लड़की है, ये सब आप यहाँ पर जानकारी फिल करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थडे सेट करने के बाद मेल फीमेल सेट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। और नेक्स्ट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्ले स्टोर का आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नाम के आगे आपको कुछ अक्षर लिखने हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर टच करना है। लेकिन अगर आपने केवल अपना नाम लिखा है तो ऑलरेडी आपके नाम से पहले भी प्ले स्टोर पर आईडी अवेलेबल होगी, इसलिए आपको यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद कुछ यूनिक अंक डालने होते हैं। जैसे कि 1234 1234 है, इस तरह आपको कुछ अलग यूनिक अंक डालना है अपना नाम लिखने के बाद ताकि आप अपनी प्ले स्टोर की आईडी बना सके। उसके बाद आप यहाँ पर जब नेक्स्ट पर टच करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड आप अपनी प्ले स्टोर की आईडी को ओपन करते वक्त डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। अपना पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो नंबर ऐड कर सकते हैं। मैं भी के लिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर यस आई एम इन पर टच करेंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पर मोर ऑप्शन पर टच करने के बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यस आई एम इन पर टच कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वो आईडी दिखाई देगी जो आईडी आपने अभी अभी प्ले स्टोर में बनाई है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड टर्म्स को पढ़ लेना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे आई एग्री पर टच करना है। आई एग्री पर टच करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर गूगल सर्विस का पेज आ जाएगा। अगर आप अपने प्ले स्टोर का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकअप ऑन कर सकते हैं, और ये बैकअप ऑन करने के बाद आप अपने फोटो वीडियो का भी बैकअप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट पर एक बार टच करना होता है, उसके बाद आपके ओप्पो F1S फोन में प्ले स्टोर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप आसानी से प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप अपना नया प्ले स्टोर का आईडी देख सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने ओप्पो F1S फोन में प्ले स्टोर आईडी बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल दिलजाद को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।